मसीहा मेरे तो मेरे है मसीहा मेरे सहारा साथ मेरे पर रो मेरे ऐ मसीहा मेरे दोस्त तू ही है सहारा साथ मेरे हर रो निराश था तू मेरे साथ था तूने ही मुझको उबारा मुसीबत के समय में मैंने तुझको पुकारा तू मेरे पास आया मेरे है मसीहा मेरे मैं बीमार था तू मेरा यार था बिस्तर से तूने उठाया अंधेरी राहों में जब मैं भटक गया रास्ता तूने ही दिखाया मेरे ऐ मसीहा मेरे जीऊंगा मैं तेरे साथ मरूंगा मैं तेरे साथ मेरा तुझसे है ये वादा स्वर्ग राज में तू मेरे साथ होगा तेरा मुझसे है ये वादा मेरे है मसीहा साथ मेरे हर रोज मेरे है मसीहा मेरे है दोस्त तू ही है सहारा साथ मेरे हर मेरे ऐ मसीहा मेरे ऐ दो गो जेसु। हम पूजन विधि वर्ष के 18वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के दिन माता कलीसिया हमसे अनुरोध करती हैं कि हम प्रभु के रोटी के चमत्कार के बारे में मनन चिंतन करें। रोटी के चमत्कार में
हमारी क्या सहभागिता है। प्रभु के मिशन कार्य में हम प्रत्येक व्यक्ति की क्या सहभागिता है, उसका एक नमूना हम रोटी के चमत्कार में देखते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ठंड के मारे कांपते हुए एक जगह पर बैठे हुए हैं। उनको देखकर एक लड़की ने ईश्वर की शिकायत की और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, आप इनके लिए क्यों ना कुछ व्यवस्था करते हैं। और उनको ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और उन्होंने सुना कि इसलिए मैं आपको उनके समक्ष लाया हूँ, इसलिए मैं आपको उनके समक्ष लाया हूँ कि आप उनके लिए कुछ करो, कि आप उनके लिए कुछ करो। आज के समाचार में हम देखते हैं कि प्रभु लोगों को शिक्षा देते हुए संध्या होने लगे। संध्या होते समय शिष्य उनके पास आकर कहते हैं, प्रभु यह एक निर्जन स्थान है, उनको अपने अपने बस्तियों में जाने दो, अपने घर में जाने दो, ताकि वे अपने लिए कुछ खाना खरीद कर खा सकेंगे। प्रभु ने उनको कहा, आप ही उनको खिला दो, आप ही उनको खिला दो। कार्य बड़ा है, साधन कम है, कार्य बड़ा है, साधन कम है। देखिए प्रभु कैसे मुझे और आपको उनका मिशन का कार्य में सहभागिता देते हैं। प्रभु उनको पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। वे कहते हैं, हमारे पास 5 रोटी हैं और 2 मछली हैं, 5 रोटियां और 2 मछली, जो तेरे पास है वो मेरे पास लाओ। प्रभु उनसे कहते हैं, जो तेरे पास है वो मेरे पास लाओ। प्रिय भाई और बहनों, जब मेरे पास जो भी है, मेरे पास शायद कार्य बहुत बड़ा होगा लेकिन मेरे पास साधन बहुत कम है, हमारे पास 5 रोटी हैं और 2 मछली केवल हैं, लेकिन 5,000 लोगों को मुझे खिलाना है। कार्य बड़ा है, साधन कम है। बेटी की शादी करानी है, मेरे पास धन नहीं है, मुझे मेरे संपत्ति को बेचना है लेकिन खरीदने वाले नहीं हैं, मुझे एग्ज़ाम में पास होना है लेकिन पढ़ने की क्षमता नहीं है। कार्य बड़ा है, साधन कम है। अगर हम अपने कार्य को, जो कुछ भी साधन हमारे पास है, उसे लेकर कर अगर प्रभु के पास जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं, जो तेरे पास है वो मेरे पास लाओ। जब मैं मेरे जो भी छोटा सा साधन मेरे पास है, जब प्रभु के पास ले आते हैं तो चमत्कार होते हैं। प्रभु की गणित कुछ अजीब सी है। हमारी सहभागिता प्लस 5 रोटियां प्लस 2 मछलियां प्लस ईश्वर की आशीष इज इक्वल टू 5,000 10,000 15,000 20,000 कितने भी कम गिनो आप। प्रभु हमारी सहभागिता चाहते हैं उनके मिशन में। अगर हम इस रोटी के चमत्कार में हम देखते हैं तो वहाँ एक टीम वर्क हम देख सकते हैं। टीम वर्क ना ही केवल प्रभु अकेला, प्रभु अपने शिष्यों को भी उस चमत्कार में वह शामिल करते हैं। तुम ही उन्हें खिला दो और वे उनके पास जो कुछ था वे उनको समर्पण करते हैं। ये एक मिशनरी का, एक कैथलिक का सबसे अहम चीज़ है, समर्पण की भावना। हमें समर्पण की भावना, हमारे पास जो कुछ साधन बहुत कम होंगे, जो भी है प्रभु को समर्पण करने की एक भावना हमारे अंतर्दम में उत्पन्न करना है। और दूसरी बात प्रभु हमसे कहते हैं, टीम वर्क, हमें साथ में काम करना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क।
टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, मतलब अगर मैं एकजुट होकर एक मत होकर काम करते हैं तो हमारे सभी सपना साकार हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे। हमारे अपर्याप्तता को प्रभु पर्याप्तता में बदल देंगे, हमारे अल्पता को प्रभु बहुलता में बदल देंगे। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस पाठ के दौरान हम जब मनन चिंतन करते हैं तो हम प्रभु हमें यही संदेश देते हैं, हम एक दूसरे को सहभागिता दें। अपने पास जो कुछ भी हैं, शायद मेरी कमजोरियां होंगी, मेरी दुर्बलताएं होंगी, मेरे जो भी साधन हैं प्रभु के पास हम समर्पित करें, क्योंकि प्रभु जब समर्पित करते हैं तो उस पांच रोटी और दो मछली को अपने हाथ में लेते हैं, हाथ में लेकर ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष की प्रार्थना करते हैं और प्रभु के आशीष उन पे बरसते हैं और वह बहुलता में बदल जाते हैं। जब भी हम अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपने संकटों को, दुख तकलीफ को प्रभु के सामने जब ले आते हैं, प्रभु उन्हें आशीष की प्रार्थना पढ़ते हुए पिता के पास ले जाते हैं और उन पर ईश्वर की आशीष बरसते हैं और वह बहुलता में बदल जाते हैं। हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें आपके मिशन कार्य में सहभागी बनने के लिए समर्पण की भावना को पैदा करें, ताकि हम पूर्ण रूप से आपको सब कुछ मेरे पास जो है समर्पित करते हुए आपके मिशन कार्य में सहभागी बन जाए। आमीन। आप सबों को जय यीशु।